Dear students, in class 5 science, today I am going to teach you the next topic, wildlife. W-I-L-D-L-I-F-E, wildlife, vanya jivan. And this topic is related to chapter 4 in class 5 science book, and name of the chapter is Animals Our Friends. In this topic I am going to describe about the what is wildlife and what are the animals that kept in this category, or name some more wild animals that live in the forest, and after that the types of the wildlife or the types of the animals in which extinct animals and endangered animals, extinct animals or endangered animals, in दोनों के बारे में भी इस टॉपिक में बताया जाएगा. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव एंड ग्रो इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स. वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत वैसे प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं जो रहते हैं या ग्रो करते हैं अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में, प्राकृतिक वातावरण में. वाइल्ड लाइफ इज फाउंड एवरीवेयर. वाइल्ड लाइफ हर एक जगह पाया जाता है. बहुत बच्चों के कंसेप्ट में तो ये होता है कि वाइल्ड लाइफ ओनली फाउंड इन द फॉरेस्ट, केवल फॉरेस्ट में ही पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है. वाइल्ड लाइफ इज फाउंड एवरीवेयर, हर एक जगह पाया जाता है, इन प्लेन्स, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो, रिवर्स हो, नदियाँ हों, माउंटेन्स पहाड़ हों, सीज समुद्र हों, रेन फॉरेस्ट या डेजर्ट हो, चाहे वो रेन फॉरेस्ट हो या डेजर्ट हो, ये सभी जगह पाए जाने वाले जानवर वाइल्ड लाइफ हो सकते हैं. टुडे देयर इज ए वेरी फ्यू प्लेसेस लेफ्ट ऑन द अर्थ वेयर वाइल्ड लाइफ इज टोटली अनटच्ड बाय द ह्यूमन बींग्स. आज बहुत कम ही ऐसी जगह छूटे हैं इस धरती पर जहाँ की वाइल्ड लाइफ पूर्णतया मनुष्य के संपर्क में या मनुष्य से अछूता रहा. सब जगह वो मनुष्य के संपर्क में आते ही रहते हैं. हियर लुक एट द पिक्चर दिस इज गिवेन हियर. दीज आर द वाइल्ड लाइफ एंड दीज आर द वाइल्ड एनिमल्स. जैसे फर्स्ट हियर दिस इज द डायग्राम एंड दिस इज द मॉनिटर लिजार्ड. ये मॉनिटर लिजार्ड है, दैट इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल. एंड दिस इज द टाइगर. टाइगर थर्ड इज द एलिफेंट. एलिफेंट है. एंड फोर इज द वाइल्ड बोर, जंगली सुअर जिसको बोल सकते हैं. पांचवा ये जिराफ, लंबी गर्दन वाला जिराफ है. सिक्स पॉइंट्स में लायन टेल मकाऊ, लायन की तरह पूंछ वाला मकाऊ है. नेम सम मोर वाइल्ड एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट. वाइल्ड एनिमल्स वेयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ
लॉन्ग बिफोर द अराइवल ऑफ द ह्यूमन बींग्स। जितने ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जीव हैं, वह इस धरती पर बहुत लंबे समय से उपस्थित थे। बिफोर द अराइवल ऑफ द ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के इस धरती पर आने से भी पहले इस धरती पर वाइल्ड एनिमल्स थे। दे हैव एज मच राइट टू लिव हियर एज वी डू। जैसे हम सभी मनुष्यों को इस धरती पर रहने का अधिकार है, ठीक उसी तरह वैसे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स जो हमसे भी पहले इस धरती पर थे, उनको भी इस धरती पर रहने का अधिकार है। However, we the human beings are destroying the natural surroundings of these animals by cutting down forest and by polluting the rivers. However, we हम सभी ह्यूमन मनुष्य आज क्या कर रहे हैं, उनके प्राकृतिक आवासों को, उनके नेचुरल होम को, उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। उन जानवरों के प्राकृतिक आवासों को हम बर्बाद करते जा रहे हैं। किस तरह? बाय कटिंग डाउन द फॉरेस्ट, जंगलों की कटाई करके, जिसको हम बोल सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के द्वारा, एंड बाय पॉल्यूटिंग द रिवर्स, नदी के पानी को भी दूषित किए जा रहे हैं, जिससे नदी के पानी को दूषित करने से नदी में पाए जाने वाले जो जीव हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, वो भी प्रभावित हो रहे हैं, और उन पानी को पीने वाले जो जंगल में पाए जाने वाले जानवर हैं, वो भी प्रभावित हो जा रहे हैं। ड्यू टू दिस, इस कारण मेनी वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट एबल टू लिव इन देयर चेंज्ड सराउंडिंग्स। इसके कारण बहुत से वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं, आर नॉट एबल टू लिव, वो रहने के योग्य नहीं हैं इस जो परिवर्तित सराउंडिंग है, बदला हुआ जो वातावरण है। और उसको किसने बदलना है? हम मनुष्यों ने। एंड आर इंक्रीजिंगली बिकम एक्सटिंक्ट, और धीरे धीरे वो जानवर जो बहुत हमसे पहले इस धरती पर से रहते आए हैं, वह विलुप्तता की तरफ लुप्त होते जा रहे हैं। एक्सटिंक्ट एनिमल्स, इनको हम बोलते हैं विलुप्त जानवर। एक्सटिंक्ट एनिमल्स आर दोज एनिमल स्पीसीज विच आर नो लॉन्गर लिविंग। मैंने विलुप्त जानवर ऐसे जानवरों की प्रजातियां हैं जो अब इस धरती पर नहीं हैं, विलुप्त हो गई हैं। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्सटिंक्ट एनिमल्स आर टस्मानियन टाइगर, क्वेगा, पैसेंजर पिजन, गोल्डन टोड, कैरिबियन मॉन्क सील, ये सभी विलुप्त या एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं। दे हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, ये बहुत पहले ही विलुप्त हो गए हैं। तो एक्सटिंक्ट एनिमल ऐसे जानवर हैं जो इस धरती पर अब नहीं हैं, वो लुप्त हो गए हैं। इनका एग्जाम्पल बच्चों याद कर सकते हैं, टस्मानियन टाइगर, क्वेगा, पैसेंजर पिजन, गोल्डन टोड, कैरिबियन मॉन्क सील। नेक्स्ट है इनडेंजर्ड एनिमल्स, मैंने ऐसे जानवर जो खतरे में हैं, जो अभी विलुप्त नहीं हुए हैं। इनडेंजर्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल स्पीसीज दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, जो विलुप्त होने, ऐसी प्रजातियां जानवरों की जो विलुप्त होने के खतरे में हैं, अभी विलुप्त हुई नहीं है, वैसे एनिमल्स को हम बोलते हैं इंडेंजर्ड
एनिमल्स, एनिमल्स लाइक अफ्रीकन एलिफेंट, बैक्टीरियन कैमल, बाल्ड ईगल, गोल्डन लायन, टैमरिन एंड पांडा, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, दैट फेस द डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, जो विलुप्त होने के खतरे को फेस कर रहे हैं भविष्य में, इन फ्यूचर दे विल बिकम एक्सटिंक्ट। एंड द डायग्राम्स ऑफ द इंडेंजर्ड एनिमल्स आर हियर गिवेन। फर्स्ट इंडेंजर्ड एनिमल इज द अफ्रीकन एलिफेंट, सेकेंड इज द टैमरिन, थर्ड इज द पांडा, फोर्थ इज द बैक्टीरियन कैमल, फिफ्थ इज द गोल्डन लायन एंड सिक्स्थ इज द बाल्ड ईगल। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट गिवेन हियर, डू यू नो, केन्या मसाई मारा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाज रिसेंटली वोटेड वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ये पूरे नेचुरल वर्ल्ड का जो 7वां आश्चर्य है केन्या मसाई मारा, जो कि फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हाउएवर इट इज़ गेटिंग सीरियसली थ्रेटेंड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, हालांकि मनुष्य की गतिविधियों से इसको भी बहुत ज़्यादा चुनौतियां मिल रही हैं, थ्रेटनिंग मिल रही हैं, फिर भी ये वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यस, द क्वेश्चंस फॉर द होमवर्क डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट सी द वीडियो केयरफुली एंड देन यू कैन इजली सॉल्व दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ, बी एक्सटिंक्ट एनिमल्स, सी इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड क्वेश्चन नंबर 2, नेम 5 वाइल्ड एनिमल्स। यू विल राइट दीज क्वेश्चंस इन योर होमवर्क कॉपी।